अभी मेरी उम्र ही कितनी है, मैं 18 साल का भी नहीं हुआ अभी तो। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. Hello everyone, तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फुल ऑन मजा मार रहे होंगे आप सबकी दोस्त। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, फुल ऑन मजे आ रहे हैं, आने भी चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए, जब इतनी मेहनत करते हो तो फुल ऑन मजे भी लो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक सा प्रैंक। मतलब भाई जैसे कि भाई मेरे सर पे लग गई चोट और भाई बहुत गहरी चोट लगी है। भाई मैं हो चुका हूँ 12वीं क्लास का बालक, एक 12वीं क्लास का बच्चा बन चुका हूँ मैं। तो आज भाई फुल ऑन मज़े आ जाएंगे क्योंकि भाई मेरी मेमोरीज आ चुकी है। भाई चोट ऐसी लगी, सीधी दिमाग पे लगी और मैं भूल गया सब कुछ। तो भाई मज़े आ जाएंगे फुल ऑन। और भाई इसके लिए आज मेरे को चाहिए कि भाई दो कैमरा सेटअप। क्यों? क्योंकि एक कैमरा, क्योंकि भाई सीट गिरूंगा तो सीढ़ियों में तभी बिलीव होगा ना, बाहर कहीं गिरूंगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो एक कैमरा होगा स्पेशली इसके लिए और एक कैमरा होगा मेरे रूम के लिए। तो भाई दो कैमरे चाहिएंगे आज। तो मैं सोच रहा हूँ पापा का फ़ोन ले आऊँ, पर पापा भाई गुस्सा ना हो जाए कहीं, तो चलो देखते हैं। क्योंकि पापा के भाई फोन आते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास फिलहाल में अभी एक ही फ़ोन है। एक फ़ोन मैंने मतलब मेरा ख़राब हो गया तो भाई इसलिए मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आ रही, नीतू का फोन मैं यूज़ नहीं कर सकता वरना उसको चल जाएगा पता। तो करते हैं भाई अपना फटाफट से प्रैंक स्टार्ट। तो जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी जाकर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आई कमर गई मेरी। गिरे कैसे आप? अरे पर ये सब छोड़ो, पर आंटी आप मेरे चेप क्यों रही हो? बताओ मैं गिर गया, मेरी लग गई, आप हो कौन को ये तो बताओ मुझे पहले, कम से कम हो कौन आप? क्या आंटी आप पागल हो गए क्या? हाँ किस किस बात कर रहे हो? अरे आंटी मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे स्कूल के लिए रेडी भी होना है, मुझे स्कूल जाना है। मैं आपकी वाइफ हूँ, गुस्सा मत दिलाओ, मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे गिर गए? अरे आंटी कब जबल कहाँ लगी? ये थोड़ी कि कोई हैंडसम लड़का देख लिया तो वो मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ। कुछ भी पागल हो क्या? दो बच्चों के बाप होने वाले हो आप? हाँ जबरदस्ती कुछ भी आंटी। कुछ फिर आंटी आप मेरे चेप क्यों हो रहे हो आंटी? अरे मैं कहाँ चेप हो रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये बता रही हूँ मैं आपकी वाइफ हूँ। अरे आंटी आप चेप बताओ, मेरी सिंपल सी बात सुनो। मेरे तो आंटी आंटी कहना बंद कर दो, बहुत हो गया। आप मेरे घर में कैसे है पहले बताओ, चोरी करने आए थे ना और आप मैं गिर गया तो आप पकड़े गए? क्या आपका घर? आप मेरे घर में चोरी करने आए थे आंटी? कोई नहीं आंटी ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, आप जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मेरे मुंह बंद कर लो, ये बहुत हो रहा है आपका। आंटी मेरे दर्द हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, कहाँ लगी? आइस पैक लाऊं, हीटिंग पैड लाऊं, क्या लाऊं? आंटी मेरे को स्कूल जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे को स्कूल जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा आपकी वजह से। खुद दो बच्चों के बाप हो गए हो आप? कैसे दो बच्चों के बाप हो गए? मैं अभी मेरी उम्र ही कितनी है, मैं 18 साल का भी नहीं हुआ अभी तो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा हाँ फिर परी कौन है? कौन परी? मैं कौन हूँ? तो मैं तो जब से पूछ रहा हूँ आंटी आप कौन हो? अरे मैंने तो बता दिया ना मैं आपकी वाइफ हूँ। चलो झूठी आंटी, जबरदस्ती मतलब ये थोड़ी कि अगर हैंडसम लड़का देख ले तो उसके चेप हो जाओगे। क्यों सर में दर्द कर रहे हो? अरे आप जाओ यहाँ से आंटी, आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप प्लीज जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। आप मेरे घर से जाओ, आप मेरे कमरे तक आ गई आंटी, ये क्या बात होगी?
मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपको उठा के लाई बाहर से। आप बाहर स्टेडियम में पड़े थे। कौन मेरी वाइफ? कैसे मेरी वाइफ? जबरदस्ती आप मेरी चेप हो रही हो, ठीक है? एक छोटा बच्चा देख लिया तो उनके चेप हो रही हो? अपने आप को देखने एक बार। क्या देखना? अपने आप को, छोटे बच्चों और क्या? ऊपर से नीचे तक 12th क्लास में है अभी, मेरे पेपर आने वाले हैं बोर्ड के। अच्छा हाँ, फिर मैं कॉलेज में जाऊंगा, फिर नई नई लड़कियां पटाऊंगा, और आप जबरदस्ती मेरे चेप हो रही हो। क्यों मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा आपसे साथ शादी करके? अपनी शक्ल देखी आपने आंटी? मैं आपकी शक्ल सुधार दूंगी, बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कि आप गिर गए तो आपको कहीं चोट लगी होगी। मेरे कोई वो नहीं आंटी, मैं अपने ध्यान खुद रख लूंगा। आप प्लीज अपने घर जाइए, मेरी मम्मी को भेजो। मैं अपने घर ही हूँ ना, मेरी मम्मी को भेजो। मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी को कुछ सुना होगा? बेहोश कर दी मम्मी? सो रही है मम्मी, तबीयत खराब है। सो नहीं रही होगी, तुमने बेहोश कर दी होगी। क्या सुना है मेरी मम्मी को बता दो। मेरी मम्मी को क्या सुना? आंटी मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। मेरी मम्मी क्या सुना है? जब मैं चोरी करूंगी तो मैं ऐसे आऊंगी क्या? हाथ डाल मेरे पे एक, तो मैं ऐसे आऊंगी चोरी करूंगी? मेरे से दूर रह के बात कर। पड़े थे ना बेहोश, ये निकाल लेती मैं। आप कुछ भी कर सकते हो आंटी, ठीक है? आप ये जबरदस्ती के ड्रामे मत करो, मैं आपको नहीं जानता। कौन हो आप? यहाँ के ड्रामे करके दिखा रही हो जबरदस्ती के। अरे आप ड्रामे मत करो, मेरा सर मत घुमाओ। मैं आपसे आराम से पूछ रही हूँ आपके कहाँ चोट लगी है, आप बताओ। आप पहले लेट हो, बैठ मेरे को नहीं लेटना आंटी, आप जाओ यहाँ से। मेरे को टच मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे को टच मत करो आंटी। मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। दूर होकर मेरे से, दूर होकर बात करो मेरे से। मेरे को कैसे मार रहे हो? धक्का नहीं कर, मेरे से दूर होकर बात करो। सिचुएशन नहीं दिखती आपको? पता है आप मेरे को सुभा के आंटी कुछ भी, फिर मेरे पूरे घर में दोबारा चोरी कर लो। मेरी मम्मी को तो कर ही दिया, छोटे बच्चे को देख कैसे कर रहा हूँ। आपको होश में लेके आती पता नहीं, आप चोरी पकड़ी जाए इसलिए होश में ले आई होगी। कभी मर्डर केस ना लग जाए आपके ऊपर मेरा। अच्छा हाँ, अच्छा मर्डर केस ना लग जाए। मैंने क्या आपको मारा था जो मेरे ऊपर मर्डर केस लगेगा? आप बेड पे चलो, ऊपर चलो चलो। अरे मुझे नहीं जाना आंटी, आप क्यों परेशान कर रहे हो मुझे यार? आप ऊपर लेटो, मुझे नहीं जाना आंटी। परेशान करे जा रहे हो जब से, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, क्या है, चोरी कहेगी? क्या चोर कहेगी? छोटी आंटी, मोटी आंटी, क्या बोला तूने? क्या आंटी आंटी लगा रखा है? बिना बेटे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं मम्मी को बुला दूँ, बता रहा हूँ मेरे को मार जा रही है, मार जा रही है। मेरी मम्मी कहाँ है? आपकी मम्मी सो रही है। तो मेरी मम्मी बुला कर लाओ। मेरी मम्मी बुला कर लाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी आंटी। कॉल हो रखा है उनकी, सो रही है। कोई नहीं, मेरे को आपसे बात नहीं करनी आंटी। आप ऊपर चलो आंटी, आप बहुत परेशान कर रहे हो मेरे को। ऊपर चलो। ऊपर कहाँ चलूं? अरे बेड के ऊपर लेटने के लिए कहा है, ऊपर चलो। ऊपर चलो, ऊपर चलो, सीधे होके लेट जाओ। आंटी आप प्लीज यहाँ से जाओ। अरे क्यों आंटी आंटी लगा रखा है? अरे जाओ ना आंटी यहाँ से। वो शादी का कार्ड नहीं दिख रहा आपको? किसकी शादी का कार्ड? हमारी शादी का कार्ड। मैं, मेरी शादी हो ही नहीं है, ठीक है? मैं अपनी शादी करूंगा अभी, मेरी जिंदगी एंजॉय करने के। अरे आंटी आप जाओ यहाँ से यार, परेशान मत करो। नाम देखो पहले क्या क्या लिखे हुए हैं। तो तुम फ्रॉड बनवा के ले आई होगी चांदी का कार्ड? फ्रॉड बनवा के लाऊंगी? हाँ। दिमाग खराब कर रहे ये देखना, ये कौन है? ये तो मेरे जैसा दिख रहा है कोई, पर मैं तो नहीं हूँ ये। तो फिर कौन है ये? तो मेरी शादी कब हुई? अभी मैं गिरा तब तो मैं 18 साल का था, 2 मिनट में मैं क्या सीधा 25-26 साल का हो गया? तो आपको अपनी शादी की फोटोज नजर नहीं आ रही? आपकी मेरी फोटो नजर नहीं आ रही एक भी साथ में? कितने साल हुए हमारी शादी को? 6 साल हो गए। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, 6 साल हो गए बताओ शादी को, और वो भी ऐसी लड़की से। क्यों वो जिंदगी बर्बाद होगी बताओ? जिंदगी बर्बाद होगी, जिंदगी तो मेरी बर्बाद होगी। जाओ अब यहाँ यार, मैं तो सोच के आ रहा हूँ मेरी ज्यादा तेर से शादी होगी। तुम यार आंटी जैसी शक्ल की लड़की शादी कर दी मेरे 18 साल की लड़की की। क्या आंटी जैसी शक्ल की? क्यों आंटी जैसी शक्ल लगा रखी है? ये तो आंटी आंटी बोलना बंद कर दो चुपचाप। भगवान क्या करूं मैं? अरे क्या है, क्या है, क्या है, परेशान कर रखा है और क्या है? परेशान कर रखा है आपने, मुझे कर रखा है परेशान। पानी भी क्या दो मेरे को यहाँ से, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नो 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 आपको। नहीं आंटी, नहीं आ रहा। मैं आंटी हूँ,
अरे आंटी जाओ ना आप यार, पकाओ मत यार आंटी, मेरे पहले ही दर्द हो रहा है, मैं गिर गया हूँ, ठीक है आपने मेरे को यहाँ तक बचाया उसके लिए थैंक यू, और यहाँ तक पहुँचाया उसके लिए भी थैंक यू। फिर आपको नॉर्मल लड़की में फर्क डिफरेंस नजर नहीं आता? तो आप आंटी लग रहे हो तो आंटी बोलूंगा, आपको और क्या बोलूंगा। अच्छा हाँ, आपको आंटी नजर आ रही है? हाँ। अच्छा, जो मैंने फोटोज दिखाए थे आपको वो सब क्या है? अरे आंटी मेरे को नहीं पता आपने मेरे साथ क्या करा क्या नहीं करा, आपने मेरे को कुछ खिला पिला के शादी कर ली होगी, मेरे को नहीं पता। पर मेरे को खिला पिला के शादी कर ली और फिर आपने 6 साल भी निकाल दिए शादी। आंटी आप जाओ प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ। शादी के फिर 6 साल भी निकाल दिए। आंटी आप जाओ ना प्लीज ना, यहाँ से आप मुझे परेशान मत करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जाओ। आंटी मार क्यों रहे हो आंटी आप मेरे को? क्या आंटी, आंटी मार क्यों रहे हो फिर आप मेरे को? मैंने आपसे कुछ बदतमीजी करी है क्या? मुझे ऐसा लगता है बाहर गिरे ना आपकी आदत चली गई है। हाँ, वो वापस लाने की कोशिश कर। तो ऐसे मारने से वापस आ जाएगी क्या आंटी? आप मार क्यों रहे हो? मारने से वापस आती है। मेरी मम्मी आपको बहुत मारेगी, मेरी मम्मी पता चला तो आपने मेरे को मारा तो। उन्हें पता चला तो वो डबल मारेगी। नहीं मारेगी, वो डबल मारेगी। नहीं मारेगी, क्यों मारेगी? अच्छा, नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। उनके सामने कह के दिखा ना कि कौन हो आप, कौन हो आप, आप आंटी हो, कह के दिखा ना उनके। अब मार क्यों रहे हो मेरे को? ये नहीं दिख रहा कि दो बच्चे हैं आपके, हैं? एक 4 साल की और एक होने वाला है, वो नहीं दिखता आपको? क्या आंटी, क्या आंटी, अब मार क्यों रही हो? मैं आपकी यादाश्त वापस कर दूँ। फोन पर आई आई आंटी, ये जो यहाँ से गई ना यहाँ, ये वापस लाने की कोशिश कर रही है। अब मार क्यों रही हो? उठता रहूँ और क्या करूँ? तो चलो, ये इतने भारी भरकम को मैं कैसे उठाऊंगी? आंटी के आंटी कैसे उठा सकती है? हाँ हाँ, ये क्या है देख लो उधर, तो क्या यार गाइस, तो पता चला तेरे को कि मैं प्रैंक बना रहा हूं? बता तो, कभी भी पता चलाओ। तो तुझे पता चल गया था तो इतनी देर से क्या तू मेरे मजे ले रही थी? बताना एक बार, आप नहीं ले रहे थे मजे हैं जब कुछ था ही नहीं, यादाश्त गई ही नहीं थी आपकी, सब कुछ याद था, फिर क्या मजे आंटी आंटी कर रहे थे? आंटी बोला तो दिल पे लगा क्या? नहीं मुझे तो पुष्पा बोल के फ्लावर समझे क्या? आंटी बोला तो दिल पे लगा क्या? अब अपना काम है, अपना काम करो। तो तुझे पता चल गया था तो इतनी देर से मौज क्यों मार रही थी तू? है ज्यादा वो मजे ले रही थी मेरी, है ज्यादा मजे ले रही थी आंटी नीतू आंटी। पहले अपने आप को देख लो, मैं तो 18 साल का फिट लड़का हूँ, जब भी तो तू मेरे पे लाइन मार रही थी मेरे को पटाने के लिए, मेरे से शादी करने के लिए। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज वाला प्रैंक, कैसी लगी आपको आंटी हमारी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरा ऐसे ही मज़ेदार अच्छे अच्छे जेन्युइन प्रैंक्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और भाई फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, तभी तो मोटिवेशन मिलेगी, तभी तो ऐसे मज़ेदार चीज़ें लाएंगे आप लोगों के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।